अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सार चावला राइट एट योर सर्विस। एक क्विक वीडियो मैं करने लगी हूँ उन खवातीन के लिए जो अपनी बॉडी को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करना चाहती हैं। अपनी बॉडी, ये तो बहुत सारे लोग बात करते हैं कि जी अब मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ तो अब मैं डाइट में क्या लूँ। क्या आपको पता है कि प्रेगनेंसी से पहले के भी 6-8 महीने की एक प्रिपरेशन होती है जो आपकी बॉडी को प्रिपेयर करती है ताकि आपकी बॉडी खजाना, एक रिजर्व बन जाए उन सारे न्यूट्रंट्स और मिनरल्स का जो आपकी बच्चे में, आपकी बच्चेदानी में, यूट्रस में, जब फीटस इम्प्लांट हो, जब बच्चा इम्प्लांट हो, तो उसको राइट टाइम पे मिलना शुरू हो जाए। उसी बारे में बात करने लगे हैं। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट की मैं बात करने लगी हूँ, जिंक, जो कि आपके बच्चे के फ्रंटल कॉर्टेक्स के न्यूरॉन्स बनाने में काम आता है। और इसके साथ साथ आपके पास जो जिंक है, आपके जो इम्यून सिस्टम होता है उसमें दो तरह के सेल्स होते हैं आपके यहाँ। जब बच्चे का इम्यून सिस्टम डेवलप हो रहा होगा, बी सेल्स और टी सेल्स, और बच्चे की इम्यूनिटी उसके फीटर से डेवलप होना शुरू हो जाती है। जो टी सेल्स होते हैं आपके पास, उनकी ट्रेनिंग जिस ग्लैंड में होती है वो थाइमस ग्लैंड में होती है, और आपके बच्चे के फीटर्स में वो ग्लैंड बनना शुरू हो जाता है। जिंक उन टी सेल्स की ट्रेनिंग के लिए यूज़ होता है। अगर आपकी डाइट में जिंक अच्छा नहीं होगा, आपकी बॉडी में जिंक रिजर्व्स अच्छे नहीं होंगे, आपके बच्चे की बॉडी होंगे, उसके थाइमस ग्लैंड की एट्रोफी होना शुरू हो जाएगी, वो श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। इवन कि जब वो बड़ा भी होगा तब भी उसका थाइमस ग्लैंड उतना अच्छा फंक्शन नहीं होगा, वहीं से उसका थाइमस ग्लैंड। आपने अपनी बॉडी को प्रेगनेंसी के लिए कैसे प्रिपेयर किया, ये चीज़ आपके बच्चे की इम्यूनिटी और उसकी जहानत को सारी ज़िंदगी इफेक्ट करेगी। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसके अलावा जिंक जो है वो आपके बच्चे की बॉडी का डिटॉक्स मैकेनिज्म बनाने में काम आती है। आप जितने ज़्यादा जिंक रिजर्व्स आपकी बॉडी में अच्छे होंगे, बच्चे की बॉडी में उतने ज़्यादा अच्छे होंगे। बच्चों में ऑटिज्म, ADHD, मूड डिस्टर्बेंसेज, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा रुझान है। जिंक ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाने के काम आता है जो बच्चों का मूड रेगुलेट करते हैं, मूड कंट्रोल करते हैं, जिसमें डोपामिन और सेरोटोनिन शामिल है। जिंक जो है वो आपकी स्किन डेवलप करने के काम आता है, और ख़ास करके मेल हार्मोन जिंक जो है वो टेस्टोस्टेरोन बनाने के काम आता है आपके बच्चे का। अगर आपको मेल बच्चा होना है, इवन के फीमेल लड़की जो बच्चियाँ होती हैं उनमें भी फीमेल और मेल हार्मोन दोनों होता है, लेकिन मेल में क्योंकि टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होता है तो वो उनके हाजमे को, इनकी इम्यूनिटी को, उनकी मसल बिल्डिंग को, उनके मूड को, उनके एनर्जी लेवल्स को भी रेगुलेट करता है, सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी को रेगुलेट नहीं करता। अब जिंक के तीन दुश्मन होते हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी में रिजर्व नहीं बनते। पहला शुगर, रिफाइंड फूड्स, दूसरा फाइटिक एसिड जो कि आपके पास वाइट ब्रेड्स में, सीरियल्स में, क्रैकर्स में, फजूल ये ग्रेन्स में और पास्तों में मौजूद है। जो लोग ये दो चीज़ें लेते हैं उनकी बॉडी में जिंक रिजर्व्स नहीं बनते, और जाहिर है फिर उनके बच्चों को भी कम जिंक मिलता है। और इसके साथ साथ नेक्स्ट न्यूट्रिएंट जिसकी मैं बात करने लगी हूँ वो आयरन है। आयरन भी जिंक की तरह आपके पास रेड मीट में मौजूद है, ऑर्गन मीट में मौजूद है, और आयरन आपके जिस्म में एब्जॉर्ब नहीं होगा अगर आपके जिस्म में विटामिन ए और विटामिन सी अच्छा नहीं होगा। विटामिन ए किन लोगों के जिस्म में अच्छा होता है? जो ऑर्गन मीट खाते हैं, रेड मीट खाते हैं, जो शेलफिश खाते हैं। विटामिन सी उन लोगों की डाइट में अच्छा होता है जो विटामिन सी रिच सोर्सेज खाते हैं, जैसे आंवला पाउडर। आंवला पाउडर मेरा भी है बाय द वे, 100% ऑर्गेनिक। यहाँ येलो पट्टी में लिंक आ रहा है मेरी ब्रांड www.holisticwisdombysaharchawla का। आप चाहें तो मेरे प्रोडक्ट्स, घी, शहद, मेरे फूड प्रोडक्ट्स, हर्ब्स, हर एक के लिए मेरे पास कुछ ना कुछ है, वो आप भी जाके इस वीडियो के बाद विजिट कर सकते हैं और अपनी पसंद की चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं। विटामिन डी और विटामिन ए की मैंने बात कर ली है जी। मैगनीज आपकी डाइट में बहुत अच्छा होना चाहिए। मैगनीज आपके पास रेड मीट में भी होता है, ग्रीन्स में भी होता है, सीड्स में भी होता है, और मैगनीज ना हो तो बच्चे को फ्लैट फूड हो सकता है। इसके साथ साथ आपकी डाइट में B9 भी होना चाहिए, और आपकी डाइट में जो है वो कॉपर भी होना चाहिए। कॉपर जो है अगेन आपके पास वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, रेड मीट में भी है, ग्रेन्स में भी है, एग योक में भी है, डेयरी में भी है, और आपके पास जो फोलेट है, अगर फोलेट नहीं होता, फोलिक एसिड इकलौता सप्लीमेंट है जो प्रेगनेंसी में पहले 3 महीने औरत को खिलाया जाता है। अगर आप अपनी डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स पहले से इंक्लूडेड रखें तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आपको फोलेट की कमी नहीं होगी। फोलेट बच्चे का स्पाइनल कॉर्ड बनाने में काम आता है, इसकी कमी से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो सकते हैं। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ सिलेनियम। सिलेनियम जो है वो आपके और आपके बच्चे का थायराइड हार्मोन बनाने में, एक्टिव फॉर्म T4 को T3 में कन्वर्ट करने में काम आता है। और सिलेनियम आपके बच्चे की बॉडी के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीऑक्सीडेंट ग्लूटाथायोन को बनाने में काम आता है, जो मेजॉरिटी ऑफ द रेडिकल अटैक, इन्फ्लेमेटरी अटैक और डिजीजेस के अटैक से बच्चे के आपकी बॉडी से लड़ता है। सेलेनियम जो है वो अगेन आपके पास डाइट में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नट्स में है, सीड्स में है। आप चाहें तो मेरा 100% ऑर्गेनिक प्रोटीन पाउडर फॉर वुमेन ऑर्डर कर सकते हैं, वो शुगर फ्री है, ग्लूटेन फ्री है, डेयरी फ्री है, सेलेनियम से, जिंक से, बी विटामिन से भरपूर है। 1 टेबलस्पून में आपको 2.5 ग्राम प्रोटीन भी मिलेगा, उसको आप डेली बेसिस पर अपनी डाइट में इंक्लूडेड रख सकते हैं। आयोडीन जो कि आपके पास अंडे की जर्दियों और सी फूड में मौजूद है, आयोडीन अगर नहीं होगा आपकी डाइट में, बॉडी में आयोडीन रिजर्व्स नहीं होंगे, बच्चे का थायराइड हार्मोन नहीं बनेगा, बच्चे का IQ और इंटेलिजेंस जो है वो भी क्रॉनिकली लो हो सकता है।
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कैल्शियम. कैल्शियम बच्चे के दांत बनाने के भी काम आता है, बच्चे की हड्डियां बनाने के भी काम आता है, बच्चे के दिमाग और नर्व की एक्टिविटी के भी काम आता है, और इसके साथ साथ बच्चे का मूड भी रेगुलेट करता है मैग्नीशियम लेवल्स के साथ बैलेंस में चल के. और अगर आप डेयरी इंटॉलरेंट हैं तो कैल्शियम के जो ऑल्टरनेटिव सोर्सेज होते हैं वो आपके पास बीन्स होते हैं और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं. आई होप ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी. इट्स ऑल गुड विद यू अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.